हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो जैसा कि हमें पता है, एग्जाम काफ़ी पास आ चुका है। सो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर यू बिगिन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, और आप बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए सो दैट आपको वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर वन आपसे क्या कह रहा है, द लर्नर इंडेक्स मेजर्स। तो बेसिकली आपसे पूछा गया कि लर्नर इंडेक्स क्या मेजर करता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लर्नर इंडेक्स होता क्या है। देखिए, अगर हम बात करें लर्नर इंडेक्स की, तो इसको फॉर्मलाइज किया था रशियन ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट अब्बा पी लर्नर ने इन द ईयर 1934। और यह बेसिकली मेजर क्या करता है, ये मेजर करता है मार्केट पावर ऑफ ए फॉर्म। तो किसी भी फॉर्म का मार्केट पावर कितना है, इसको मेजर किया जाता है लर्नर इंडेक्स से। अब देखिए, मार्केट पावर को मोनोपोली पावर भी बोला जाता है, ओके। और ये मेजर करता कैसे है मार्केट पावर या मोनोपोली पावर को, देखिए यहाँ पे लर्नर इंडेक्स का एक फॉर्मूला है, दैट इज पी माइनस एम सी अपॉन पी। और यहाँ पे पी होता है आपका मार्केट प्राइस और एम सी होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट क्या करता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें लर्नर इंडेक्स की, तो ये शो करता है कि कोई भी फॉर्म कितना मार्कअप चार्ज कर पा रही है ओवर एंड अबव इट्स मार्जिनल कॉस्ट। दैट इज, अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी का मार्जिनल कॉस्ट किसी भी गुड को बनाने में 5 रुपीज का है और वो चार्ज कर रही है मार्केट से 10 रुपीज, तो यहाँ पे बेसिकली लर्नर इंडेक्स कितना होगा, 0.5। अब देखिए यहाँ पे ये बोला जाता है कि जितना ज़्यादा लर्नर इंडेक्स होगा उतनी ज़्यादा मोनोपोली पावर होगी या मार्केट पावर होगी। अब देखिए लर्नर इंडेक्स जो होता है ये 0 से 1 के बीच में होता है, ओके। सो ये जितना ज़्यादा 1 के पास होगा उतनी ज़्यादा किसी भी फॉर्म की मार्केट पावर होगी, और वो जितना कम होगा, जितना ज़्यादा वो 0 के पास होगा उतनी कम मार्केट पावर होगी, ओके। अब मान लीजिए कोई भी फॉर्म 15 रुपीज़ चार्ज कर पा रही है फ्रॉम मार्केट और उसकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 5 रुपीज़, ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लर्नर इंडेक्स की, तो कितना आएगा, 10/15, दैट इज 0.67, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस को इंक्रीज करते ही यहाँ पे लर्नर इंडेक्स इंक्रीज हो गया, ओके। तो यहाँ पे कंपनी प्राइस कैसे इंक्रीज कर पा रही है, बिकॉज यहाँ पे कोई उसका कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर मान लीजिए उसका कोई कॉम्पिटिटर होता, तो वो प्राइस इंक्रीज होने से क्या होता, कस्टमर्स जो है वो दूसरे सप्लायर पर शिफ्ट हो जाते। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी कंपनी अपने प्राइजेस को इंक्रीज नहीं करना चाहेगी, बट यहाँ पे कंपनी अपने प्राइजेस को इंक्रीज कर पा रही है, 10 रुपीज़ से 15 रुपीज़ तक ले के जा पा रही है, बिकॉज यहाँ पे उसका कोई कॉम्पिटिटर है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास मोनोपोली पावर है, तभी वो अपने प्राइजेस को इंक्रीज कर पा रही है, ओके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा लर्नर इंडेक्स होगा उतनी ज़्यादा कंपनी की मार्केट पावर होगी, ओके। तो यहाँ पे ये बेसिकली 0 से 1 तक होता है, और ये जितना ज़्यादा होता है, जितना ही 1 के करीब होता है, उतनी ज़्यादा कंपनी की मोनोपोली पावर होती है, ओके। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लर्नर इंडेक्स क्या मेजर करता है। तो ये मेजर करता है मार्केट पावर ऑफ फॉर्म, ओके। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है, आपके पास 2 लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। आपको लिस्ट 1 के आइटम को मैच करना है लिस्ट 2 के साथ। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपके पास इंडिफरेंस करो। तो अगर हम बात करें इंडिफरेंस करो की, तो ये होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ऐसा क्यों है, देखिए सबसे पहले हम इसको एक लेंस के एग्जांपल से समझते हैं। लेंस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, वो कुछ इस तरीके का होता है, एक होता है कॉनकेव लेंस, वो कुछ इस टाइप का होता है, ओके। इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पे जो आपका इंडिफरेंस कर्व होता है वो कुछ इस शेप में होता है, ओके, और ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। देखिए यहाँ पे आपका इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है, कुछ इस टाइप का, ओके। तो ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, ओरिजिन आपका ये है, ओके। तो यहाँ पे ये कॉन्वेक्स है, ओके। तो इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ओके। तो यहाँ पे एक आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। सेकेंड है आपका डिमांड कर्व। सो काफ़ी सिंपल है, डिमांड कर्व आपका क्या होता है, स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, ओके, राइट में डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है आपका डिमांड कर्व। थर्ड है आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो देखिए अगर हम बात करें परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, तो यहाँ पे आपका जो प्राइस होता है वो एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है। यहाँ पे ये प्राइस लाइन को ही डिमांड लाइन बोला जाता है, ओके। देखिए अगर हम बात करें परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर आपका जो डिमांड कर्व होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ओके। इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व ऐसा क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे जो डिमांड कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, दैट इज यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होती है ये होती है इनफाइनाइट, ओके। ऐसा क्यों है, बिकॉज यहाँ पे जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर मार्केट प्राइस डिटरमाइन होता है, वो डिटरमाइन होता है मार्केट फोर्सेस से, क्या डिमांड की फोर्सेस हैं और क्या सप्लाई की फोर्सेस है,
उससे मार्केट प्राइस डिटरमाइन होता है। कोई भी फर्म यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकती है, यहाँ पे जो मार्केट प्राइस चल रहा है सारी फर्म्स को उसी प्राइस पे सेल करना होता है। यहाँ पे फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस मेकर। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर प्राइस डिटरमाइन हुआ है P0, तो कोई भी फर्म P1 नहीं चार्ज कर सकती, बिकॉज यहाँ पे कोई भी डिमांड है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके, नाउ अब इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो आपका डिमांड कर होता है यही आपका एवरेज रेवेन्यू कर होता है, यही आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर होता है, और यही आपकी प्राइस लाइन होती है। ओके, तो यहाँ पे आपका सी मैच करेगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। ओके, फोर्थ है आपका प्राइस लीडरशिप। तो देखिए ये प्राइस लीडरशिप होता क्या है, अगर हम बात करें ओलिगोपोली मार्केट की, तो यहाँ पे कुछ फ्यू फर्म्स होती हैं जो कि डोमिनेट कर रही होती है मार्केट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे जो कंपटीशन होता है वो बेसिकली प्राइस बेस्ड होता है। सो देखिए यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, अगर कोई भी फर्म अपने प्राइजेस को डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे सारी फर्म जितनी भी ओलिगोपोली मार्केट के अंदर फर्म्स हैं वो सारे अपने प्राइजेस को डिक्रीज कर लेते हैं। बट यहाँ पे एक और चीज़ होती है, अगर कोई भी फर्म अपने प्राइजेस को इंक्रीज कर रही है, तो कोई भी फर्म अपने प्राइजेस को इंक्रीज नहीं करती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पे जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस बेस्ड कॉम्पिटिशन में होती है। यहाँ पे फर्म्स की स्ट्रेटेजी होती है कि वो प्राइजेस को डिक्रीज करके मार्केट शेयर को एक्वायर करें। यहाँ पे बेसिकली कंपनी का मेन फोकस होता है कि मार्केट शेयर को एक्वायर किया जाए। ओके, और वो किसके बेसिस पे किया जा सकता है, प्राइस लीडरशिप के बेसिस पे। ओके, तो इसके अंदर होता क्या, बेसिकली अगर कोई भी फर्म अपने प्राइजेस को डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे फर्म्स भी अपने प्राइजेस को डिक्रीज कर लेती है। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ओलिगोपोली के अंदर दो फर्म्स हैं, पेप्सी एंड कोका कोला। सो अगर पेप्सी अपने प्राइजेस को डिक्रीज करेगी, तो कोका कोला भी अपने प्राइजेस को डिक्रीज कर लेगी। ओके, बट मान लीजिए पेप्सी अपने प्राइजेस को इंक्रीज करती है, तो यहाँ पे कोका कोला अपने प्राइजेस को इंक्रीज नहीं करेगी, बिकॉज यहाँ पे कंपनी की स्ट्रेटजी होगी कि वो लो प्राइजेस पे मार्केट शेयर को एक्वायर करे। ओके, तो इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, इन सभी के प्राइजेस सिमिलर ही होते हैं मार्केट के अंदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, इफ द डिमांड फॉर अ गुड इज इन इलास्टिक, एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द गुड टू। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया है कि अगर डिमांड किसी भी गुड की इन इलास्टिक है, ओके, तो यहाँ पे अगर उसके प्राइजेस में इंक्रीज हो रहा है, तो कंज्यूमर का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा या जीरो हो जाएगा। सो देखिए इन इलास्टिक डिमांड कर होता कब है, इन इलास्टिक डिमांड कर हमेशा नेसेसिटी गुड के अंदर बनता है। ओके, और ये फॉर्म कैसा होता है, ये होता है वर्टिकल टू द वाई एक्सिस। ओके, ये आपका वाई एक्सिस है और यहाँ इसके वर्टिकल होता है डिमांड कर्व। ओके, तो इस केस में क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपकी क्वांटिटी है, यहाँ पे आपका प्राइस है। सो आप प्राइस को चाहे P0 रखिए या P1 कर दीजिए, दैट इज प्राइस को आप इंक्रीज कर दीजिए, बट यहाँ पे आपकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स रहती है। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो नेसेसिटी गुड के लिए सेम रहती है, आप नेसेसिटी गुड की डिमांड को कम नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो डिमांड कर है वो इनलास्टिक होता है। सो मान लीजिए अगर प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज आप क्वांटिटी को तो कम नहीं कर सकते। सो आप क्या करेंगे, अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेंगे। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है रेगुलरली, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे डेली क्विजेस कंडक्ट किए जाते हैं। सो अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा सकते हैं, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एज्यूम दैट द कंज्यूमर इनकम एंड द नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट फॉर गुड एक्स बोथ फॉल्स। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, कंज्यूमर की इनकम भी डिक्रीज हो रही है और जो नंबर ऑफ सेलर्स है मार्केट के अंदर वो भी डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इसका कंक्लूजन क्या निकल सकता है, इससे प्राइजेस डिक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे, क्वांटिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। सो देखिए हम इसका एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये आपके सेलर्स हैं, दैट इज सप्लाई, और ये आपकी डिमांड है। ओके, यहाँ पे आपका प्राइस डिटरमाइन हुआ है P0 और यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिटरमाइन हुई है Q। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या बोला गया कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो डिक्रीज हो रही है। ओके, सो अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड जो है वो फॉल हो जाएगी। बट देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे प्राइजेस डिक्रीज नहीं हो रहे हैं। ओके, तो इस केस में क्या होता है, डिमांड का जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है। तो डिमांड का कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड। ओके, तो यहाँ पे डिमांड का लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। ओके, अब आपका यहाँ पे बेसिकली क्वांटिटी कम हो गई, होगी यहाँ पे क्वांटिटी Q1। ओके, और आपका प्राइस कितना हो गया, P1। ओके, अब क्या बोला गया, सेकंड थिंग कि नंबर ऑफ सेलर्स जो है मार्केट के अंदर वो भी डिक्रीज हो रहे हैं।
ओके सो मान लीजिए आपके सेलर्स डिक्रीज होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे आपकी सप्लाई कर्व जो है वो भी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होती है, सो सप्लाई को भी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पे आपका हो गया ये एस वन, इसके बेसिस पे यहाँ पे आपकी जो क्वांटिटी है वो क्या होगी क्यू टू, और यहाँ पे आपका प्राइस कितना हो गया, देखिए प्राइस को अगर हम देखें तो यहाँ पे पी जीरो के पास ही आ गया। ओके ऐसा तभी होगा जब डिमांड और सप्लाई दोनों सेम रेट से डिक्रीज हुए हैं। ओके तब आपका प्राइस कितना हो जाएगा पी जीरो। अब मान लीजिए सप्लाई सेम रेट से डिक्रीज ना हुई होती, सप्लाई कम डिक्रीज हुई होती और डिमांड ज़्यादा डिक्रीज हुई होती, तो इस केस में क्या होता आपका, मान लीजिए यहाँ पे सप्लाई करो आपका कुछ इस तरीके से आता, तो यहाँ पे आपका प्राइस कितना हो जाता पी टू। ओके बट अभी हम ये मान के चलते हैं कि आपका सप्लाई और डिमांड दोनों सेम रेट से डिक्रीज हुए हैं, तो इस केस में क्या हुआ है आपकी जो क्वांटिटी है वो शिफ्ट हो गई है क्यू से क्यू टू पे। ओके बट आपका प्राइस कितना है सेम ही रहा है। ओके तो इसमें हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है वी कैन कंक्लूड विथ सर्टेनिटी। आप सर्टेनिटी के साथ क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी क्वांटिटी तो डिक्रीज हो रही है। ओके प्राइस के बारे में हम कंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि सप्लाई या डिमांड किस रेट से डिक्रीज हो रही है, क्या यहाँ पे वो सेम रेट से डिक्रीज हो रहे हैं या फिर अलग अलग रेट से डिक्रीज हो रहे हैं। ओके तो यहाँ पे हम सर्टेनिटी के साथ ये कह सकते हैं कि हमारी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो रही है। ओके तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, इनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ओके देखिए पहली स्टेटमेंट क्या है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट। तो यहाँ से बोला गया जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है वो वैल्यू जजमेंट पे बेस्ड होती है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा क्यों है, देखिए वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक या वेलफेयर की बात की जाती है, यहाँ पे हम केवल फैक्चुअल डेटा की बात नहीं करते, यहाँ पे बेसिकली पीपल का वेलफेयर कितना हो रहा है हम उसकी भी बात करते हैं। ओके देखिए यहाँ पे बेसिकली वैल्यू जजमेंट का क्या मतलब है, वैल्यू जजमेंट का मतलब ये होता है सब्जेक्टिव स्टेटमेंट। सब्जेक्टिव स्टेटमेंट हर एक बंदे की अलग अलग हो सकती है। ओके तो यहाँ पे बेसिकली वैल्यू जजमेंट का मतलब ये है सब्जेक्टिव स्टेटमेंट बेस्ड ऑन ओपिनियंस रैदर देन फैक्ट। यहाँ पे बेसिकली ओपिनियन के बेस पे होता है जजमेंट, फैक्ट के बेसिस पे नहीं। ओके तो यहाँ पे बेसिकली वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है वो वैल्यू जजमेंट पे बेस्ड होता है। यस ये करेक्ट है। ऐसा क्यों, देखिए इसका एक एग्जांपल समझते, मान लीजिए आपकी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो रही है। ओके तो इससे हम ये कह सकते हैं कंट्री का डेवलपमेंट सही डायरेक्शन में, दैट इज कंट्री की इकोनॉमी डेवलप हो रही है। ओके बट इसके बेसिस हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि पीपल का वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है। ओके बिकॉज अगर मान लीजिए कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो रही है एट द सेम टाइम यहाँ पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमी के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है। ओके नाउ सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक्स विद अ हार्ट। तो यस ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे बेसिकली इकोनॉमिक्स विद हार्ट कहा जाता है इसको। ओके थर्ड है वेलफेयर इकोनॉमिक फोकस ऑन द क्वेश्चन अबाउट इक्विटी एज वेल एज एफिशिएंसी। तो जो आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स होता है ये इक्विटी दैट इज इक्वालिटी एंड एफिशिएंसी ये दोनों की बात करता है। ओके तो अगर हम बात करें ए बी सी, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं। फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं, द फाउंडर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स वॉज ऑल्फ्रेड मार्शल। तो देखिए ये वाली जो आपकी स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। ऐसा क्यों है, देखिए जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के फाउंडर थे वो थे आर्थर पिगाऊ। ओके तो यहाँ पे आपकी जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये है इनकरेक्ट। ओके सो दैट्स ऑल, आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स ऑल द बेस्ट गाइज़।